कासगंज पुलिस और एसओजी टीम ने क्रिकेट सट्टा माफियाओं पर सफलता हासिल की है। पुलिस ने सट्टा माफियाओं पर छापामार कार्यवाही करते हुए दो बुकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 19,500 रुपए नकद, 9 मोबाइल, एक एलईडी सहित कई कागजात बरामद किए। आपको बता दें कि कासगंज जनपद पहले से सट्टे के कारोबार में पड़ोसी जनपदों के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी साख रखता है। इसके दिल्ली बम्बई से सीधे तार जुड़े हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी गणेश चौहान व एसओजी प्रभारी मुकेश कुमार ने टीम के साथ आज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जय जय राम की सत्तार बैंड वाली गली में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे बुकियों पर छापा मारा। पुलिस ने दो बुकियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को इन बुकियों के पास से 19,500 रुपए नकद, 9 मोबाइल, एक एलईडी सहित कई कागजात भी मिले। पुलिस ने सभी सट्टा माफियाओं को जेल भेजने की कार्यवाही की है। जैसा कि आपको मालूम है कि आईपीएल चल रहा है, जनपद कासगंज थाना कासगंज के अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए सट्टे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत गली सत्तार बैंड है जय राम मोहल्ले के अंतर्गत यहाँ पे सूचना मिली थी और मुखबिरी के माध्यम से हमारे थाना प्रभारी कासगंज और एसओजी टीम के संयुक्त अभियान के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके अंतर्गत दो लोग आशु गुप्ता और आकाश दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इन दोनों के पास एक लैपटॉप, 4 रजिस्टर और 19,500 रुपए बरामद हुए हैं और पूरी लिखा पढ़ी कथा में दिखा गया कि व्यापक रूप से सट्टा चला रहे थे आईपीएल मैच के दौरान और उनके खिलाफ 3/4 साबिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कई ज्यादा सट्टे वाले जिनके अभी तक बड़े बड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो खुलेआम नहीं, यदि ऐसा कोई सूचना मिलती है, ऐसा कोई प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ तत्काल विधि कार्रवाई की जाएगी।